तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सबसे पहले तो एक खुशखबरी, 1100 फॉलोवर्स यानी 1100 सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पर हो चुके हैं। तो देखा जाए तो मोटी बात है कि 1100 लोग यानी कि 1100 की फैमिली इस वक्त हमारी हो चुकी है गॉड टेक्निकल की। तो सबसे पहले सभी लोगों को शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। और चैनल पर सब्सक्राइब अभी तक हाइड हैं, उसका रीजन सिर्फ ये है कि जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होता तब तक वो हाइड रहने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे ही प्यार बनाए रखो और जल्दी से मोनेटाइज भी मेरा ऑन करा दो, ताकि इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूं और काफी अच्छी आपकी हेल्प कर रहा हूं। मुझे ऑलमोस्ट पता है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स मुझे ऐसे आ रहे थे कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपने ऐसी वीडियो बनने बनाई। और आज की टॉपिक पर हम सीधा बात कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा अलग नहीं है बल्कि शेयर चैट से रिलेटेड ही है। तो भाई टॉपिक ये है, जिन्होंने पूछा है, परमिला जी ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। परमिला जी का कहना है कि सर एक बात मुझे बताइए, क्या दो शेयर चैट अकाउंट पर एक पेमेंट हो सकता है? बहुत बड़ा टॉपिक है, समझ में आ रहा है? तो आज के वीडियो में इसी बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, बहुत बड़ा पुराना रट्टा हो गया डायलॉग, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए भाई। अगर आपको मन पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वरना मत करना। चलो आज की वीडियो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा। तो भाई देखो, यहाँ पर परमिला जी मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जैसा कि आप मेहनत कर रहे हो अपने शेयर चैट पर, तो एक चीज ध्यान से समझ लो कि शेयर चैट भी उस चीज को देख रहा है कि आप अकेले मेहनत कर रहे हो या फिर आप दो चार जगह पे मेहनत कर रहे हो। भाई देखो, छोटी सी बात है कि आपको अगर पैसा कमाना है तो किसी एक रास्ते पे आप कमा सकते हो, ना कि आप चारों रास्ते पे एक साथ चल सकते हो। तो यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी, लेकिन परमिला जी से ही नहीं बल्कि मैं सभी शेयर चैट यूजर से ये बात कहना चाहूंगा, जिन लोगों के दिमाग में ऐसे फितूर और ऐसे जितने आइडियाज आते हैं, तो पहले तो कहां से आते हैं उसके लिए मेरा सलाम। और दूसरी चीजें कि अगर आ भी जाते हैं तभी आप मेरे पास ऐसे कमेंट करते हो, तभी मैं सोचता हूं कि यस मुझे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि कमेंट से जवाब नहीं पहुंच पाएगा। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आज की वीडियो बनाई है। अब देखो भाई, बात यह है कि शेयर चैट अकाउंट अगर आप दो दो यूज कर रहे हो, मान लो एक शेयर चैट अकाउंट आपके नाम से है, दूसरा आपने किसी और नाम से कर दिया, लेकिन चला दोनों ही आप रहे हो, हैंडल आप दोनों ही कर रहे हो, तो यहां पर एक चीज ध्यान में रखो कि आपका अर्निंग जिस वक्त ऑन होगा वो किसी एक पेटीएम पे या फिर एक अकाउंट से रिलेट नहीं कर पाएगा। याद रखना, अगर आपने एक अकाउंट चला रखे हो, मान लो जैसे मैं अपना एक शेयर चैट अकाउंट चलाता हूँ, तो मेरे को अर्निंग हो रही है तो मैं उससे पैसा कमाता हूँ, सही है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, मैं उससे पैसा कमाता हूँ। लेकिन अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ शेयर चैट पर अपनी आईडी से, तो मेरे दिमाग में भी वही फितूर जो आपके दिमाग में चलता है कि यार जब मैं यहाँ से 1000 कमा रहा हूँ हफ्ते के, तो महीने में हुए 4000। अब 4000 रुपये महीना एक आईडी से कमाऊंगा, तो यार दूसरी आईडी क्यों ना ओपन कर लो, 4000 वहाँ से भी आएंगे, तो कुल मिला के हो गए 8000। अब 8000 घर में बैठे बैठे 8000 बहुत होते हैं यार, मेरे हिसाब से 6000 रुपये 7000 रुपये नॉर्मल इंसान की मजदूरी होती है। तो जब ऐसे फितूर आपके दिमाग में चलते हैं, तो मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ, तो मैं क्या करता हूँ फिर दूसरी आईडी ओपन कर लेता हूँ। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी गलती करते हो आप लोग कि एक अकाउंट पर आपको ध्यान रखना, शेयर चैट इतना पागल नहीं है। शेयर चैट जो है वो सभी लोगों को मेंट्रेट करता है, सभी लोगों को मेंटेन करता है और सभी लोगों पर निगरानी भी रखता है कि इसका जो फेस है वो क्या इसी वीडियो में है या फिर किसी और आईडीज पर भी ये काम कर रहा है। इसीलिए एक पॉलिसी शेयर चैट ने बनाई थी कि शेयर चैट पर कैमरे के सामने आपका होना लाजमी है, शेयर चैट पर आप अपना फेस दिखाइए तभी आप अर्निंग कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे देखो, ये सिंपल सी बात है, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जब शेयर चैट इतनी बड़ी बात बोलता है तो इसीलिए बोलता है कि आप अपने फेस का यूज किसी और आईडीज पर ना करके अपने आईडीज पर रखो, और जिस दिन ऐसा होता है दूसरी आईडी पर जाना, तो आपकी वो भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, जाओ भैया बाय बाय रारम, ऐसे ऐसे बोल देता है। लेकिन यहाँ पर आपको छोटी सी बात समझनी है कि आप अगर एक अकाउंट चला रहे हो तो आपका एक आईडी और एक आपका अकाउंट सबमिट है उसमें, तो आप इससे पैसा कमाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार अगर मैं 4-5 हज़ार रुपये महीना एक आईडी से कमा रहा हूँ तो दूसरी आईडी से मुझे 4-5 हज़ार आ जाएगा, अगर ये दिमाग में आपका चलता है तो इसको हम अब कर कैसे सकते हैं, यानी कि ना करने का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान ऐसा होता है, ना जी करना है और मैं करके रहूंगा, चाहे कोई बताए ना बताए, तो मैं बताता हूँ ना कि करना आपको क्या है। करना आपको यह है कि आपने, या तो छोटा भाई होगा आपका, उसको आप अपना वो अकाउंट दे दो और वो अकाउंट उसको हैंडल करवाओ, ठीक है, क्योंकि आप उस पर अर्निंग कर रहे हो, तो फेस आपको ही आ रहा है, सब कुछ आपको ही आ रहा है, तो आप उसको अकाउंट यूज करवाओ। दूसरे अकाउंट पर आप उस बंदे को दे दो, किसी अदर पर्सन को जिसका फेस आपसे अलग हो उस बंदे को दे दो, और उसमें अकाउंट दूसरे का बनाना है, ये नहीं कि उसी नाम से अपने नाम से उसको भी बना दो, ना ऐसा नहीं करना।
दूसरे के नाम से अकाउंट बनाना है, दूसरे का यूजर आईडी आएगा उसमें, और उस आईडी से अपने आप को अपना फॉलो नहीं करना, वरना ये भी चीज़ देख ली जाती है कि अगर आप उस आईडी को बना के तुरंत से इसको फॉलो करते हो तो क्यों करते हो जी, ये भी चीज़ समझ लेता है शेयर चैट। तो जब आपने अलग नंबर से अपना अकाउंट बना लिया, अलग यूजर नेम हो गया, ये आपका ओरिजिनल है, ये आपका डुप्लीकेट है दूसरे अकाउंट बनाया हुआ आपने, तो इसमें जो आपका मेथड चल रहा है पेमेंट वाला, जो नंबर, जो अकाउंट नंबर, जो पेटीएम नंबर आप इसमें डाल रखे हो वो इसमें नहीं आना चाहिए। इस बात को ध्यान से समझ लेना, सुन लेना और अच्छे से इसको दिमाग में उतार लेना कि जो आपका अकाउंट जिस पे पेमेंट आ रही है, जिस नंबर से पेमेंट आ रही है, वो नंबर आपको दूसरे किसी शेयर चैट अकाउंट पर नहीं देना है। अन्यथा होगा क्या कि ये अकाउंट भी तुरंत बंद होगा और जो चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा, और शेयर चैट की तरफ से मैसेज आएगा कि आपको चैंपियन के लिए चुना गया था और हमें बड़ा दुख है इस बात को कहने के लिए कि आप उस लायक नहीं हो, ऐसे ही पोस्ट करते रहो, बस इतना सा मैसेज आएगा और आपकी अर्निंग भी बंद। तो ऐसा ना हो कि आप इधर के भी ना रहो, इधर के भी ना रहो। तो इसलिए समझने वाली, सोचने वाली चीज़ यही है कि दो अकाउंट आप चलाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, चलाओ, 10,000 क्या 20,000 कमाओ यार, कोई ऐसी बात नहीं। शेयर चैट तो दे रहा है 50,000, आप लिमिट क्रॉस करो ना, आप 50,000 करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जेन्युइन तरीके से। तो अगर मेरा सुना मेरा कहा मानोगे तो मेरे हिसाब से तो एक ही चीज़ समझ में आती है कि दो अकाउंट जब इंसान यूज़ करने की सोचता है तो वो इसीलिए सोचता है कि 4,000-5,000 मुझे इससे आ रहे हैं, 4,000-5,000 मुझे उससे आ जाएंगे, तो कुल मिला के अर्निंग हो जाती है 10,000 रुपये। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप मुझे मानते हो ज़रा सा भी और मेरी बात को ज़रा सा भी समझ पाते हो, तो भाई एक ही अकाउंट पर मेहनत करो, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 दिन हो जाएंगे, एक महीना हो जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपने एक रियल अकाउंट से ही 50,000 की अर्निंग कर पाओगे और बहुत सारे ट्रॉफीज, बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे रिवार्ड्स भी आप शेयर चैट से जीत सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो इस बात को दिमाग में उतार लेना अच्छे से। आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि मुझे लगता है कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो हमारे चैनल को लाइक नहीं, क्या बोलते हैं, हाँ, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बस आज के लिए इतना ही, बाय। We'll be right back.